हेलो एवरीवन, दिस इज राजन हियर फ्रॉम एक्यूनिटी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आपका कोई अगर वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं कि वो किसी साइट पे आप शेयर कर पाए और वहाँ पे डायरेक्टली वो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आपका वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए। वो डालने के बाद में ये जो डॉक्यूमेंट है उसे ओपन कर लीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर लीजिए। वर्ड डॉक्यूमेंट वो ओपन करने के बाद में यहाँ पे ओपन विद करके ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करने के बाद में गूगल डॉक्स पे क्लिक करिए। जैसे ही आप गूगल डॉक्स पे क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स में ओपन हो जाएगा। अभी ये डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स में ओपन हो गया है। फिर यहाँ पे फाइल्स पे आप चले जाइए। फाइल्स में जाने के बाद में यहाँ पे पब्लिश टू वेब करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एम्बेड करके ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एम्बेड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करिए। आप पब्लिश करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये बनने के बाद में यहाँ पे जो आई फ्रेम का लिंक है वो आपको कॉपी करना है और वो पेस्ट कर देना है। ऐसे कोई भी वेबसाइट पे डाल दीजिए, जहाँ पे भी आप पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, ये इसका पाथ क्या है, वो चीज़ें उन्हें नहीं समझेगा और डायरेक्टली आप उनको डॉक्यूमेंट जो है वो दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप आपके कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को आपकी वेबसाइट में डाल सकते हैं आई फ्रेम यूज करके। ये था आई फ्रेम्स के बारे में, जिसको यूज करके हम लोग हमारे कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट या पीपीटी जो है वो वेबसाइट पे डाल सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे फ्यूचर में जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।